अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो कल जहाँ तक बात छोड़ी थी वहीं से आज बात स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बढ़ते हैं आगे कि आज हम अफ्रीकन ग्रे के बारे में आपको क्या बताने जा रहे हैं। कि हम सस्ते की तरफ चलते हैं क्योंकि हम कहते हैं यार 1,80,000 रुपये में भी अफ्रीकन ग्रे मिल रहा है और 3 लाख में भी मिल रहा है। अब बात यह है कि मैं एक नॉर्मल आपको प्राइस बता रहा हूँ, इतनी प्राइजेस जो अब हिस्ट्री के साथ पेयर दे रहा है, प्रॉपर 7-8 साल का पेयर दे रहा है, वो अगर आपको 2,80,000 में भी मिल रहा है तब भी सस्ता है दोस्तों। और आपको अगर एक 2 साल पेयर आपको 1,80,000 में मिल रहा है तो वो तब भी महंगा है, क्योंकि आप या तो फिर ये कि एक आपका माइंड सेट है, कि मैंने एक परिंदा ये 2 साल घर में अपने साथ कैप्टिविटी में रखना है, मेरे साथ एडजस्ट हो जाएगा, वो तो आपको ठीक। लेकिन आप ब्रीडर समझ के ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मुझे ब्रीड कर जाएगा, तो वो फिर आप फेड अप हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज का आपको अंदाजा नहीं है कि वो बर्ड ब्रीड कब करेगा। अगर आपको एक पता है कि एक परिंदा 3 साल का है, तो आपको पता है ये परिंदा उम्र में कम है, 2-3 साल आपने रखना है, वो तो आपको आइडिया है। लेकिन जो बर्ड आप इस नजरिए से लेते हैं कि यार मैं जैसे ही इसको घर जाऊंगा मंथ डेढ़ बाद मेरा परिंदा सेटल्ड होके मुझे ब्रीड दे देगा, तो उसके बाद दोस्तों आपका फिर दिल टूटना शुरू होता है, क्योंकि वो परिंदा आपकी तवक्कोआत पे पूरा नहीं उतरता और आपको ब्रीड नहीं आती, तो आप फिर कहते हैं यार, फिर आप आगे पीछे उस्ताद ढूंढते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, मुझे फार्मूला बताएं, मैं इसको क्या दूं क्या ना दूं। तो दोस्तों जब परिंदा कम उम्र में हो तो उस पर कोई फार्मूले असर नहीं करते, कोई मेडिसिन असर नहीं करती, कुछ भी नहीं होता। क्यों? कि दुनिया में वाहिद ऐसी एक चीज है जो उम्र उम्र के हिसाब से ही होती है, ब्रीड। और ब्रीड आप कम उम्र में जो चीज़ एक 5 साल में तैयार होती है, आप 2 साल की चीज से कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी भी हो जाए लेकिन आपने देखनी पूरी है, आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि अफ्रीकन ग्रे पे तो बहुत ज्यादा वीडियो बनी हुई है। लेकिन यह है कि मैं कहता हूँ इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया जाए, क्योंकि जो दोस्त हैं इंशाल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा रहनुमाई होगी। शॉर्टली अगर मैं बात करने जाता तो 2 से 3 मिनट में सारे टॉपिक को क्लोज करके खत्म कर देता, लेकिन ये है कि आप भी समझ रहे होंगे, और मुझे माशाल्लाह काफी सारे दोस्त हैं मुझे कॉल करके कहते हैं कि जो आप डिटेल में बात करते हैं वो हमें बहुत पसंद है। तो मैं भी दोस्तों यही चाहता हूँ कि मेरी कोशिश यही होती है, बहुत कम अगर कोई परिंदे की कोई चीज मुझसे रह जाए तो रह जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको डिटेल में डिस्कस करूँ। तो अब आ जाते हैं दोस्तों कि ये परिंदा ब्रीडिंग के हवाले से कैसा है, ब्रीड इजी ब्रीडर है या हार्ड ब्रीडर है, पेरेंट्स बिहेवियर इस परिंदे का कैसा है, क्या इसमें डाइट ले सकते हैं, तो इस चीज़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो मोस्टली एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि ये परिंदा बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रीडर है, ब्रीड नहीं करता, ये होता है वो होता है, तो पहले मैं आपको कह चुका हूँ कि पहले आपने देखेंगे वो हार्ड ब्रीडर, ये जितना ये परिंदा दोस्तों ब्रीड के एतबार से इजी है, मैं समझता हूँ कोई भी इजी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये चीज़ें आप फॉलो कर लें तो फिर आप भी कहेंगे कि यार ये परिंदा बहुत ज़्यादा आसान ब्रीड करता है, इससे ज़्यादा कोई भी ज़्यादा आसान परिंदा ब्रीड नहीं करता। क्योंकि एज के एतबार से अगर आप छोटा परिंदा ले लेंगे तो वो डेफिनेटली हार्ड ब्रीडर ही होना है। और दूसरा ये है कि आप मिसाल के तौर पे आपने अगर बजरी गज रखे हुए हैं या लव बर्ड्स रखे हुए हैं या जो है कॉकटेल वगैरह रखे हुए हैं, तो आप अगर उनको वो वाली लो हाई प्रोटीन और लो फैट आप डाइट दे रहे हैं तो तब भी ये बर्ड नहीं चलेगा। और अगर आप इनको जैसे वो आपका एक सेटअप होता है जहाँ आपने 15-10 किस्म की म्यूटेशन डिफरेंट किस्म के बर्ड्स रखे हुए हैं तो वहां इसको ला के छोड़ देते हैं तो तब भी, तो आपने जो प्रोटोकॉल्स हैं वो लाजमी फॉलो करने हैं इंशाल्लाह ताला। इन प्रोटोकॉल्स पे अगर आप फॉलो करके ब्रीड नहीं लेते तो इंशाल्लाह ताला ये भाई आपको जुर्माना देगा। तो अब चलते हैं कि इसको आपने रखना किस माहौल में। तो दोस्तों ये है कि आपने इसको अगर आपके पास एक से ज्यादा पेयर है, 2, 3, 4, तो आपने इसको एक प्राइवेट रूम में रखना है, दूसरे बर्ड से हटा के रखना है, जहाँ आपने मतलब आपने रिंग रिंग नेक पैरट्स रखे हुए हैं, सन कॉर्नियस के साथ तो इस बर्ड्स को आपने बिल्कुल नहीं रखना, ना लव बर्ड्स के साथ रखना है। क्योंकि मैं कुछ अपने दोस्तों से ऐसे पेयर उठा के लाया एज अ चैलेंज की बेस पे, उन्होंने लव बर्ड्स और सन कॉर्नियस के बीच में अफ्रीकन ग्रे रखा हुआ था, और ये बर्ड्स एक खामोश खामोशी और तनहाई पसंद माहौल को बहुत ज्यादा अपने अंदर पसंद करता है और उसमें ये ब्रीड करता है, और वही सबसे जो बेसिक थी वही उन्होंने गलत की हुई थी।
मैंने उधर उस बर्ड की ऑब्जर्वेशन की, सारा कुछ किया, तो मैंने देखा कि जैसे इन्होंने ये बर्ड्स रखा हुआ है इस मॉल में, ये कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। तो वो दोस्तों, उनके पास 2 से 3 साल वो परिंदा पड़ा हुआ था, मैं उठा के लाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 महीने में अल्लाह पाक ने कामयाबी दे दी। और कामयाबी की वजह आपको बताऊंगा, कामयाबी की वजह ये थी कि दोस्तों मेरे पास अब अफ्रीकन ग्रे के लिए एक सेपरेट पूरा उनका एक माहौल है, जहाँ तकरीबन हमारी आमदोरफ्त भी दूसरे बर्ड्स की निस्बत ना होने के बराबर है। अगर हम दूसरे बर्ड्स को विजिट कर रहे हैं 2 से 3 बार, तो इस बर्ड्स को सिर्फ मॉर्निंग में हम मोस्टली इसमें कैमरास का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरे से इस बर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें मॉर्निंग में हम एक बार दाना पानी कर देते हैं, फिर रात को हम लाइट्स वगैरह के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल हमारा उधर प्राइवेसी है, हम खम जाते हैं। आपने भी इस बर्ड को रखना है तो कोशिश करें कि आपने सेपरेट रखना है। अब आ जाते हैं दोस्तों, आप एक या एक से ज्यादा आपके पास परिंदे हैं, एक परिंदा तो आपके पास ठीक है, आप उसको रख सकते हैं। जब आपके पास 2 से 3 पेयर हैं, 4 पेयर हैं, तो बीच में आपके पास जो केजेस हैं उनमें आपने हाइडेंसी लाजमी रखनी है, क्योंकि ये पेयर जब हाइडेंसी नहीं होगी तो आपको इसका ब्रीडिंग रिजल्ट अच्छा नहीं मिलना, क्योंकि ये मेल मेल आपस में एग्रेसिव होते रहेंगे और फीमेल को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, तो इससे भी आपको ब्रीडिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना। तो ये चीजें दोस्तों आपने लाजमी इसमें करनी है। और अब आ जाते हैं कि इसको केज साइज कौन सा देना चाहिए, बेस्ट केज साइज कौन सा है। तो मेरे पास जो दोस्तों केज साइज लगा हुआ है वो तकरीबन 3 3 6 फुट, 3 फुट ऊंचाई, 3 फुट फ्रंट आ गया, और 6 फुट उसका दोस्तों गहराई आ गई, उसको उड़ने के लिए जगह आ गई। और बॉक्स दोस्तों मैंने अपने अफ्रीकन ग्रे को केज के बाहर दिया हुआ है, क्योंकि उनको और स्पेस मिल जाएगी उड़ने के लिए। तो ये दोस्तों अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ, कि ये पेरेंट्स कैसे हैं। तो दोस्तों पेरेंट्स ये इंतहाई, जितना मैं कहूँ कि जितना इस बर्ड को आप अगर पेरेंट्स के अतबार से इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, किसी भी बर्ड पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये देखना है आपने कि ये बर्ड आपने ट्रेंड कैसा हुआ हुआ है पेरेंट्स के अतबार से। अब ये बात काबिले गौर है दोस्तों, कि आप सोच रहे होंगे ये कौन कौन सी नई बात है, क्यों कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन कर रहे हैं। अब आप जब एक परिंदे की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है इनक्यूबेशन के हिसाब से, उनको बच्चों की फीडिंग के अतबार से, तो वो टोटली स्ट्रेंज हो जाते हैं इस माहौल से, इस अपनी एक हैबिट से। तो अगर आपने कहीं से भी बर्ड लिया है, तो उस भाई से पूछना है कि आप तो चलो ब्रीडिंग की तो गारंटी ले रहे हैं और फर्टिलिटी की भी गारंटी ले रहे हैं, आया कि आप इस बर्ड से आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन तो नहीं करवाते रहे। क्योंकि मेरे पास 2 एक पेयर ऐसे आए थे और उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया, लेकिन उनकी मुझे हैबिट बनाने बनाने में भी लगभग 3 4 साल लग गए। तो दोस्तों जब आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में आप अंडे उठा लेते हैं और इंक्यूबेट करना शुरू करते हैं, तो बर्ड्स की जो अंडों पे बैठने की एक आदत है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब वो उनकी आदत ख़त्म हो जाएगी तो वो इंक्यूबेट भी अच्छा नहीं करेंगे। चले वो इंक्यूबेट अच्छा कर देते हैं तो वो फिर बच्चों को अच्छे से फीड नहीं करवाते। तो ये इसमें ये देखना है कि बर्ड्स की नेचर वाइज जो बर्ड है वो ब्रीडिंग एतबार से बहुत अच्छा है, बच्चे पालने में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि आप एक परिंदा पीछे 3 साल से जिस माहौल में रह के आया है, जिस सिस्टम के तहत रह के आया है, वहाँ उस चीज़ को टोटली ख़त्म कर दिया गया है, और आप दोबारा उसको उस फंक्शन पे ला रहे हैं, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा एकदम। तो ये चीज़ आपने देखनी है। बाकी बैसियत जो अफ्रीकन ग्रे की नेचर है, वो अपने चिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको केयर करते हैं, उसको फीड करवाते हैं, बिल्कुल लापरवाह बर्ड नहीं है ये, उसको बहुत केयर करता है अपने चिक्स को। तो ये है कि अगर आपका कोई बर्ड आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के सिस्टम से आया हो तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, उसकी भी आपको अगर हम जो है अब अफ्रीकन ग्रे का तकरीबन दोस्तों अपनी बर्ड्स की जो हैबिट को कायम रखने के लिए मेरी जो कोशिश होती है, मैं तकरीबन 40 डेज से ऊपर का चिक्स अफ्रीकन ग्रे से उठाता हूँ। क्यों कि इसकी उठाने को तो मैं 10 दिनों का बच्चा भी उठा लूँ, 15 दिनों का भी बच्चा उठा लूँ, लेकिन दोस्तों स्टार्ट में तो हम उठा लेंगे, लेकिन ये उस बर्ड की एक आदत बन जाएगी कि वो 10 दिनों। आप हमारे पास कुछ ऐसे बर्ड भी हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बहुत इसको डिटेल में बात करने जा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी पॉइंट रह ना जाए। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपने देखनी जरूर है। और अगर जिस बर्ड का बच्चा हम 10 से 15 दिनों में उठा लेंगे, तो यकीन जाने ये मेरा अपना जाती तजर्बा है,
वो बर्ड आपका 15 दिनों बाद 10 दिनों बाद बच्चा नहीं पालेगा। और ये मेरे साथ हो चुका है कि जिन परिंदों को हमने इस आदत पे लगा दिया था वो परिंदे तकरीबन 10 से 15 दिनों बाद बच्चे नहीं पालते थे और हम सोचते थे कि यार ये क्यों, लेकिन उसमें हमारा कसूर होता था। लेकिन यह है कि आपको पता है कि वक्त गुजर जाता है, बाद में आपको समझ लगती है कि यार नहीं, यहाँ मेरी मिस्टेक थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर्ड्स को सेट किया। अब अफ्रीकन ग्रे के तकरीबन हमारी जो कोशिश होती है 40 डेज के बाद चिक्स उठाएं, क्योंकि उस दौरान आपका बच्चा अच्छे से डिवेल्प हो चुका होता है, बेसिक न्यूट्रिशन माँ बाप से ले चुका होता है। और दोस्तों ये है कि वो बर्ड का जो बच्चे का चिक्स का इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा। 40 डेज का जो बच्चा आप उठाएंगे और एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन का बच्चा है, उसकी निस्बत इस बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बीमारियों को फेस करने की ताकत इसमें बहुत ज्यादा होती है। आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के बच्चे हमने रखे भी हैं, देखे भी हैं, हल्का सा फ्लू होता है, बच्चा मर जाता है। लेकिन जो है ना आपका जो इस तरह का बच्चा हो जो माँ बाप के नीचे 40-45 दिन रेज हुआ हो, तो वो बच्चा यकीन जाने कि उसका क्रॉप भी, एक बच्चे का हमारे हमसे बाय मिस्टेक उसका जल गया था, उस क्रॉप हमने स्टिच किया, उसमें इतनी सर्वाइवल पावर हो, माशाल्लाह उसने सर्वाइव किया और वो जिंदा भी रहा और सेल्फ होके हमने सेल भी किया। तो कहने की बात यह है कि दोस्तों डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। आप जल्दबाजी ना किया करें, इससे होना यह है कि आपको साल में 2 क्लचेज आ जाने हैं 3 की बजाय। लेकिन यह है कि जो आप काम कर रहे हैं वो बड़ा जबरदस्त काम है, प्रोफेशनल काम है। आप मतलब ना अगर किसी को चिक्स बेचेंगे भी तो उनकी आगे लाइफ स्पैन अच्छा होगा, उनका सिस्टम अच्छा होगा। आप अगर किसी को 50-60 हजार का कोई बच्चा बेच रहे हैं तो वो बच्चा हल्के से फ्लू से आगे मर जाता है। अफ्रीकन ग्रे भी ऐसे आ गए हैं, आर्टिफिशियल अफ्रीकन ग्रे आ गए हैं कि बच्चा उनका हवा लगता है तो गिर जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो दोस्त हैं जो बच्चे लेते हैं तो वो भी कोशिश किया करें, जो बच्चे घर में भी टेम करने के लिए लेते हैं, चले उनके लिए एक की पॉइंट आ गया। मैंने इस चीज को डिस्कस नहीं करना था लेकिन बातों में बात आ गई कि जो दोस्त है बाप घर में एज अ पेट के तौर पे बर्ड लेते हैं तो वो लाजमी देखा करें कि ये बच्चा, मैं हरगिज उन दोस्तों की वो नहीं कर रहा कि ये ना हो कि वो दोस्त रखें कि आर्टिफिशियल जदीद इंक्यूबेशन अच्छी है, होनी चाहिए। लेकिन ये कि मैं डिफरेंस बयान कर रहा हूँ कि एक चीज जो नेचुरली वजूद में आती है और एक आर्टिफिशियली आती है, उसमें डिफरेंस बयान कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला अफ्रीकन ग्रे के कल नए पार्ट्स के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।